दोस्तों मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम लेके आए हैं जिस फोन के बाद में एक फोन जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में चल रहे थे बड़े ही रूमर। और यदि ये फोन आज मतलब कि आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, स्पेसिफिकेशन सारे कंफर्म हो चुके हैं, हम आपके लिए सबसे पहले जो है इसके स्पेसिफिकेशन हम आपको बता देते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल पाएगा, क्या प्राइस इसकी रहेगी, और भैया ये इंडिया के अंदर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, कब तक आ पाएगा, किस प्राइस के अंदर आ पाएगा, सारी बात करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ भैया लिनोवो के J6 Pro के बारे में। जी हाँ, J5 के बारे में हमने काफ़ी वेट किया लेकिन हमें वो फ़ोन हाथ नहीं आ पाया। J6 Pro के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यदि इंडिया के अंदर लिनोवो लॉन्च कर देता J5 तो मेरे को लगता है वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दे सकता था अदर ब्रांड को। हमें एक कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा आपका क्या विचार है इसके बारे में। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें हिम्मत। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिल पाते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो इस फ़ोन का मेन हाईलाइट है, इस फोन के अंदर हमें मिल पाते हैं रियर के अंदर 4 कैमरा सेटअप इसके अंदर मिल पाता है। ये 27 वोट की जो है 27 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ये लॉन्च हो चुका है, स्पेसिफिकेशन सारे कंफर्म हो चुके हैं। यदि बात करें इसके अंदर हमें फ्रंट की, तो फ्रंट के अंदर हमें मिल पाती है इसके अंदर वही जो है वाटर ड्रॉप नोच मिल जाती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इसके अंदर दिया गया है। क्वालकॉम का जो है वो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर इसके अंदर दिया गया। और यदि बात करें इसके रैम की तो ये जो है वो 3 रैम वेरिएंट के अंदर है, 6 GB, 128 GB, 8 GB, 128 GB और 12 GB, 512 GB स्टोरेज के मामले में। तो भैया जो ये फ़ोन है मतलब कि वाकई में फाड़ू। डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक सा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। फोटो आप देख सकते हैं, आपको वीडियो के अंदर इधर या उधर फोटो आपको जरूर देखने को मिल गई होगी। तो अभी देखते हैं कि हम इसके अंदर जो है हमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, ZUI 11 का जो है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल जाता है। और इसके भैया कैमरा यदि इतना दिया गया तो इसके अंदर क्या क्या होगा वो तो आप समझ सकते हैं। मैं फ़ोन की यदि आपको प्राइस थोड़ी सी बता देता हूँ, ये 2 कलर के अंदर अवेलेबल है, रेड और ग्रीन कलर के अंदर ये अवेलेबल है। और ये भैया फ़िलहाल चाइना में ही लॉन्च हुआ है, इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। 29 अप्रैल से इसकी जो है सेल वो शुरू हो जाएगी लिनोवो के स्टोर पर। आप यदि चाहते हैं तो चाइना से खरीद सकते हैं। भैया मैं भी लिनोवो का जो है काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने लिनोवो का जो है काफ़ी फ़ोन यूज़ किए हैं। लिनोवो का मैंने जो है K4 Note यूज़ किया, काफ़ी अच्छा फ़ोन था, लेकिन भैया जब तक लिनोवो इंडिया